हेलो एवरीवन दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिलेंडर बेसिस पर, बेलन के आधार पर बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन करता है, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा, आप कई चीज़ें आप इसमें सीख जाएंगे। तो आइए हम इसको बताते हैं, बस थोड़ा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, देखिए बहुत कुछ सीखेंगे आप। जैसे हम आपसे कहेंगे, हमारे पास आयताकार सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है, देखिएगा आपने देखा होगा एग्जाम में बहुत आता है इससे। जैसे हम आपसे कहें कैसा सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है, मैंने बना दी है, ये रेक्टेंगुलर सीट है भाई। इसकी लंबाई होगी एल मान लिया, चौड़ाई है बी मान लिया। अब इस रेक्टेंगुलर सीट को फोल्ड करके, मोड़ करके बेलन बनाना है। तो बेलन दो तरीके से बन सकता है। पहला क्या बनाना है, पहले आप इस बात को समझिए, बेलन बनाना है, सिलेंडर बनाना है। बात यहां सिलेंडर की हो रही है कि हमें बेलन बनाना है भैया। पहला और दूसरा दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पहला क्या कि यदि लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाए, मतलब अगर आप किसके अकॉर्डिंग मोड़ रहे हैं, लेंथ के, तब देखिए क्या होगा। जैसे समझिए, ये हमने लिखा है यदि लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाए तो क्या होगा। जैसे देखिए हमारे पास एक पेपर है, ये रहा कैसा है, रेक्टेंगुलर सीट है। हम आपसे कहें कि इसको लंबाई के अनुदिश मोड़िए, तो कहने का मतलब जिसके अनुदिश कहता है ना भैया, वो हाइट हो जाती है। देखिए यहाँ बताइए बेलन बना कि नहीं, बन गया ना। किसके अनुदिश मोड़ना है, लंबाई के, ऐसे मोड़िएगा, ये रहा लंबाई के अनुदिश हो गया ये। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, अरे यही तो लंबाई था बताइए। तो जो बेलन बना उसमें दो बात याद रखनी है, जो ऊंचाई होगी मतलब जो हाइट होगा बेलन का, वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और दूसरी बात आप बताइए, इसको मोड़े है ना ऐसे, ये क्या है, चौड़ाई है, मोड़े हैं तो ये मोड़ करके चौड़ाई तो ये पूरा हुआ है ऐसे, बात समझ रहे। देखिए चौड़ाई हुआ ना, तो ये टोटल परिधि हुआ ना, परिधि हुआ कि नहीं हुआ बताइए, परिधि। तो जो परिधि हुआ वो हमारा क्या हो गया मालूम है, वो उसकी लंबाई कितनी हो गई, बी हो गई। जो इसकी ब्रेथ होगी ऐसे ओपन कर दीजिए, जो ब्रेथ, जो चौड़ाई है वो परिधि हो गया, और जो लंबाई है वो क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। कब, जब लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है। दूसरी बात, यदि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाए मतलब अगर आप इसको फोल्ड कर रहे हैं अराउंड द ब्रेथ, अब आप बताइए चौड़ाई, ये देखिए ऐसे बन गया, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जा रहा भाई, तो ये देखिए इस तरीके से बन गया ये। अब बताओ भैया ऊंचाई कितनी हुई, तो जो चौड़ाई थी वही ना ऊंचाई हुई। तो जो बेलन बनेगा यदि बेलन बन रहा था तो यहां जो बेलन बनेगा, उस बेलन का अगर हम पूछे ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई h कितना हो जाएगा, तो h हो जाएगा आपका b, और परिधि कितनी हो जाएगी बता दीजिए, परिधि की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी ईयर। यही कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ याद रखना है, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कैसा है आपके पास, आयताकार हमारे पास क्या है, एक सीट है, आयताकार सीट है। इसको दो तरीके से फोल्ड किया जा सकता है, अराउंड द लेंथ लंबाई के अनुदिश, एंड अराउंड द ब्रेथ मतलब इसके चौड़ाई के अनुदिश। तो बेलन जो बनेगा, बेलन नहीं बन रहा, देखिए रेक्टेंगुलर सीट ही तो है, इसी से तो बेलन बन रहा है। तो भैया जो ये बेलन बन रहा है, आप बात समझ रहे हैं, देखिएगा ये जो बेलन हमारा फॉर्म हो रहा है, इस बात को समझिए, ये किसके अराउंड है, किसके अनुदिश है, तो ये हमारा ऊंचाई के अनुदिश है, बात समझ गए। जिसके अनुदिश कहेगा वही उसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई। जिसके अनुदिश कहेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। अनुदिश चौड़ाई, ऊंचाई चौड़ाई, अनुदिश लंबाई, तो ऊंचाई लंबाई, बस। जैसे अगर हम आपसे कहें, जैसे समझिएगा एक सीधा सा सवाल कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर सीट है ऐसे, इसकी लंबाई मान ले रहे 10 है 5 है। हम आपसे कहें
लंबाई के अनुदिश मोड़ा जा रहा है, इसका वॉल्यूम बताइए किसके अनुदिश मोड़ा, लंबाई के अनुदिश। तो वॉल्यूम क्या होता है, होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर चाहिए एच चाहिए, ये दो चीज चाहिए। तो एक बात बताओ भैया, वी रहने दो पाई रहने दो इंटू आर। अब लंबाई के अगर अनुदिश मोड़ रहे हो तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जल्दी बता दीजिए, ऊंचाई हो जाएगी 10। तो यहां तो 10 रख दे रहे हैं बुढ़ा, आर नहीं मालूम है, लेकिन आपको मालूम है ये पता है परिधि, बी हो जाता परिधि, मतलब 2 पाई आर, वहीं से आर निकालेंगे, 2 पाई आर बराबर कितना मिल जाएगा 5। अब आपसे पूछे आर कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 अपॉन 2 पाई, रख दीजिए यहीं पे, थोड़ा कितना रखेंगे 5 अपॉन 2 पाई, और एच कितना है हमारा अभी नहीं देखे थे 10, ये पाई पाई से कैंसिल, 2 पंचे 10 पचम 25, 25 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बात समझ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में, मेरा जो छोटा वीडियो बनता है उसमें मैं कोई एक कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, आप देखिएगा जो 5 मिनट से 6 मिनट का वीडियो बनता है उसमें मैं कोई बेसिक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट सिर्फ बताता हूँ, नहीं तो जो मेरा और बनता है वीडियो 30 मिनट 35 मिनट, हालांकि मैं 1 घंटे का वीडियो नहीं बनाता, बहुत छोटा वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो में, अभी हमारा सिलेंडर में और बचा हुआ है उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आप चीजों को समझ रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।